नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स नारायण में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नारायण कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियो कि दांत में अगर खून निकलता हो तो उसका हम उपाय कैसे करें। तो इसके उपाय के लिए हम बताएंगे आपको कि यह उल्टा लपा, इसको उल्टा चुटा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम अपमार्ग है। हम सिर्फ इस अपमार्ग से ही दांतों का खून यानी कि पायरिया, दांतों की सड़न गलन, दांतों की बदबू, दांतों का मवाद, दांतों में पानी लगना, यह सब सिर्फ इस अपमार्ग से यानी कि इस उल्टे लपा से किस तरह से ठीक करें हम बताएंगे आपको इस विषय पर। तो दोस्तों, इसी प्रकार की आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हेल्थ टिप्स नारायण में आपको मिलती रहेगी। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप इसे लाइक अवश्य करिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए जो आप देख रहे हैं ना, ये बटन, ये आपको स्विच दिखाई दे रहा है लाल कलर में, जहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, बस बस इस लिखे हुए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, उंगली से स्पर्श कीजिए और बस हो गया आपको चैनल ये सब्सक्राइब। और अब मिलते रहेंगे आपको हर प्रकार के वीडियो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अब हम अपने विषय पर, अपने सब्जेक्ट पर। अगर आपके दांतों में खून आता है तो हम क्या करें? पहले इस पौधे का परिचय दे दूं मैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, यह इसकी बाल है और इसके पत्ते आपने देख लिए हैं। अब इसे आप आसानी से पहचान सकेंगे। तो इस पौधे की हमें जड़ को निकालना है सबसे पहले। चलिए हम इसकी जड़ निकालते हैं। ये इस तरह की जड़ होगी, इस जड़ को हमने तोड़ लिया। इस प्रकार से हमें और भी जड़ें तोड़ ले ली हैं और इसके बाद इसे हमें सुखाने के लिए रख देना है। सुखाने के बाद में इसको हमें कूटना है, पीसना है, और इस पीस करके इसको कपड़े में छान करके बहुत बारीकी पाउडर तैयार हो जाएगा इसका। इसमें हमें हल्का सा सेंधा नमक, ध्यान रखें नमक जो होता है उसको सेंधा नमक लेना है, हमें थोड़ा सा सेंधा नमक लेना है और थोड़ी सी हमें गुलाबी फिटकरी लेनी है। दोनों को, तीनों को मिला करके हमें यह पाउडर किसी बोतल में भर के रख लेना है, और उसके बाद में इससे हमें हर रोज़ दांतून करना है, अर्थात दांतों को मांजना है। दूसरा तरीका यह है कि यह जो आप देख रहे हैं, इससे आप दांतों से चबा करके इसका ब्रश बना सकते हैं, और दांतों से चबा करके जब ये ब्रश बनके तैयार हो जाएगा तो जिस तरह से हम पेस्ट को हम ब्रश से करते हैं, इसको हम जो हमने पाउडर बना के तैयार किया है इसे हम उंगली से करें, और उंगली के साथ साथ इस ताज़ी लकड़ी से दांतों को मांजें, दांतों को साफ करें, और उसके बाद में करीब आधा घंटे तक हम कुल्ला नहीं करें, हम पानी से कुल्ला नहीं करें। आधा घंटे तक हमें यूं ही रखना है, आधा घंटे बाद हमें कुल्ला करना है। दोस्तों, इस तरह से निरंतर 10-15 दिन करने से आपके आपके दांतों की बदबू, आपके दांतों का मवाद, आपके दांतों में पानी का लगना, आपके दांतों की सड़न गलन गंदगी, ये सब कुछ दूर हो जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और निःशुल्क में आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे
किसी बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।